आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। जैसे कल खबर आई डिस्ट्रिक्ट बारामूला के एक डॉक्टर ने, उन्होंने चांद पे जमीन खरीदी है। कश्मीर के पहले ऐसे शख्स बने जिन्होंने चांद पे जमीन खरीदी है, जिनका ताल्लुक नॉर्थ कश्मीर के सिंहपुरा से है, जिनका नाम डॉक्टर कौसर बख्शी है। और जम्मू कश्मीर के दूसरे शख्स ऐसे जिन्होंने चांद पे जमीन खरीदी है। और मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है डॉक्टर कौसर बख्शी जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, चांद पे जमीन आपने खरीदी? एक्चुअली सर, एज यू नो, टेक्निकली नो वन फ्रॉम द वर्ल्ड कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम द मून इन करंट टाइम। टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल, बट जब से चंद्रयान थर्ड इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया, तब से ये एक सिंपली अ साइन ऑफ ऑनरी एंड गेस्चर, ठीक है सर? दिस इज साइन ऑफ ऑनरी एंड अ गेस्चर दैट फ्यूचर इज रियली पॉसिबल ऑन मून After the successful landing of Chandrayaan third on moon, ठीक है? तो इसी तरह से जो renowned कुछ businessmen हैं throughout India या कुछ Bollywood actors हैं, it's not technically possible कि हम वहाँ पर इस time जा सकते, but it's simply यानी कि हम वहाँ पे खरीद नहीं सकते अगर technically absolutely it is simply a gesture of token of love या honorary gesture हम इसको कह सकते हैं कि that in future हम अपनी youth को encourage कर सकते हैं कि अब जो हमारी परवाज है वो चांद पे है, दुनिया की परवाज अब जो है वो चांद पे है, अब हमारा जो future है इंशाल्लाह that is मून। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि चांद पे जा सकते हैं, अब हमारे पास टेक्निकली हम इतने साउंड है, चांद पे हम जा सकते हैं और वहां पे हम पहुंच सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब इसके पीछे पूरी अगर डिटेल आप बताएंगे कि कैसे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि टेक्निकली हम वहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते मगर वहाँ पे पहुँच सकते, थोड़ा सा समझाएंगे कि क्या पूरा ये मामला था? हाँ एब्सोल्युटली सर, जब आपको याद होगा कि अगस्त में जब इंडिया ने चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया तो उसके बाद ही मेरे जहन में भाई एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर, एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर, मुझे भी एक जहन में ये चीज आई कि आई जस्ट वांट टू बी द फर्स्ट इन कश्मीर, लेट मी ट्राई अ बिट एज वेल। इसमें पैसा उतना नहीं है, मतलब हमें उतना पैसा भरना है या बाकी चीजें करनी है, इट्स ऑल योर प्रोफाइल, जो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हुआ एंड आई बिकेम द फर्स्ट लाइक अदर्स जैसे थ्रू आउट द वर्ल्ड में है कि मैं भी एक पहला कश्मीरी बना अल्हम्दुलिल्लाह, कि मेरा भी वहां पर जो है वो अलॉटमेंट हुई है, ठीक है सर। डॉक्टर साहब आपने कहा इसके पीछे प्रोफाइल, जो प्रोफाइल होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए, तो किस तरह की प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, किस तरह का प्रोफाइल? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, इसमें अगर हम आज करंट डेट्स में देख सकते हैं तो कोई भी वहां पर टोकन ऑफ लव की तरह से एज क्या बोलते हैं इसको, अ पीस ऑफ लैंड, वन एकर टू एकर, आप कुछ भी वहां पर लिख सकते हो जो आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करते हैं, ठीक है सर। तो उसके लिए कोई भी ये होता है, बट जो ये बिट हुई थी अगस्त में, जो न्यूयॉर्क जो लूनर रजिस्ट्री सोसाइटी इंटरनेशनल है, जो वो बिट हुई थी वहां पर जब मैंने अपना प्रोफाइल सेंड कर दिया कि आई एम अ फास्टेस्ट स्टूडेंट, जो मेरा प्रोफाइल है एज यू नो दैट आई एम अ नेशनल अवार्ड विनिंग entrepreneur, I'm a fastest growing entrepreneur of India as on date. तो वो profile अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का वो select हो गया, पैसे की बात यहाँ पर नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक token of love था for my father. तो उस time कल ये मैसेज मुझे आ गई एंड आई रिसीव द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दैट, सो इट वाज अ वेरी जॉयफुल मोमेंट फॉर मी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। डॉक्टर साहब ये कहाँ तक सच है, आपने कहा कि मैं अपने वालिद साहब को ये गिफ्ट करना चाहता हूँ, एक टोकन ऑफ लव? दिस इज कंप्लीटली ट्रू फैक्ट, क्योंकि जब मैंने इसके लिए बिड की थी तो वहां पर ही मैंने जो वहां पर इन इसमें एक्चुअली 10 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें एक डॉक्यूमेंट ऐसा भी होता है कि आप ये किसको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट आप ये किसको टोकन किसको गिफ्ट करें, इस पे आप मैसेज क्या लिखवाना चाहते हैं, दैट इज कंप्लीटली इन 3D पिक्चर जो सैटेलाइट भेजती है, 3D पिक्चर ऑफ अ मून, उस पे कंप्लीटली लिखा हुआ है दैट दिस इज फॉर यू माय फादर, दिस इज फॉर यू माय पापा, बिकॉज़ यू हैव गिव मी एवरीथिंग इन माय लाइफ, सो दिस इज सिंपली अ लव ऑफ टोकन टू माय फादर बिकॉज़ ही हैज गिवन मी एवरीथिंग इन माय लाइफ। तो ये सिर्फ पापा के लिए था, रेस्ट
डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आपने वालिद साहब के लिए एक मोहब्बत, एक छोटा सा गिफ्ट, लव ऑफ टोकन उनके लिए था जो कि उन्होंने मेरे लिए किया है, जितने सेक्रीफाइस, जितने हर्डल्स उन्होंने लाइफ में देखे और मेरे को यहाँ तक पहुँचा है। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जैसे आपने कहा कि एक इसके लिए ज़मीन वहाँ पर कोई खरीद नहीं सकता है, मगर हमारी रीच कितनी है, क्या हम चांद पे हम पहुँच गए तो वो दिखाने के लिए, डॉक्टर साहब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ी, आपको क्या क्या करना पड़ा, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक्चुअली ये जो जो वहां पर मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़े, अपना प्रोफाइल, ठीक है सर, कि मेरा बिजनेस प्रोफाइल क्या है, व्हाट इज मतलब जितना भी मैंने आज तक जो अचीवमेंट्स की हुई है, उसके बाद जब मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ, देन कुछ जो क्या बोलते इसको सम टोकन ऑफ मनी, ठीक है, कुछ पैसा उसमें देना पड़ा आफ्टर द सिलेक्शन ओनली, ठीक है सर, जब आप सिलेक्ट होते हैं, आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है, उसके बाद कुछ अमाउंट होता है जो जो लूनर सोसाइटी को जाता है फॉर मेकिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड जो लीगल फॉर्मेलिटीज उसमें होती है, आपकी एग्रीमेंट बनती है, टुमारो आई कैन सेल दिस पीस ऑफ लैंड टू सम वन एल्स, एग्रीमेंट ट्रांसफर हो सकता है कल को इन फ्यूचर, तो उस तरीके से ये प्रोसेस रहा। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर वेटिंग ऑफ ऑलमोस्ट 5 months, 5 महीने के बाद कल मुझे ये तकरीबन अराउंड 3:30 के आसपास डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए। डॉक्टर साहब, बचपन में हम सुनते थे मैं आपके लिए चांद भी तोड़ लाऊंगा, तारे भी तोड़ लाऊंगा, वो कभी सोचा था कि चांद पे जमीन लेंगे? You won't believe sir, honestly speaking, when I was in 9th class, मैं तब कहता था कि कोई वक्त ऐसा आएगा कि मैं मतलब मजाक में ही कह रहा था, मतलब मुझे नहीं पता था कि दैट इट इज पॉसिबल, क्योंकि तब छोटे थे। मैं कहता था नहीं, मैं वहां पर जमीन ही कर लूंगा आपको, मतलब इट वॉज लाइक कि वो बचपन का वो एक ड्रीम कम्स ट्रू। But dream, it's a dream come true, it's simply, but it's not possible for me to go there as on date, आपको पता है scientists अभी नहीं जा पा रहे हैं, कुछ ही scientists गए हैं, Neil Armstrong गए हैं पहले, तो it's simply a gesture of love, कि अपनी जो कौम है हमारी, जो हमारे हिंदुस्तान के नौजवान है, साइंटिस्ट है, उनको एनकरेज करना कि इंशाल्लाह अब हमारी जो परवान है वो चांद है, हमारी जो नजर है वो चांद पे है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, लोगों का अलग अलग रद्द अमल है, आपके रिलेटिव, आपके दोस्तों का, या आपके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उनका क्या रद्द अमल था जब ये न्यूज कल सामने आई? एक्चुअली जब ये न्यूज सामने आई, मैंने पहले भी कहा ये तो मतलब ऐसे ही वायरल हुआ, दिस वाज नॉट ये वायरल होना चाहिए था, इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट, मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स है जो आज तक मैंने हासिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं एक कश्मीरी हूँ, हम किसी से पीछे नहीं है, मैंने अपने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक सिंपल टोकन था मेरे पापा के लिए, बाकी एज यू नो कि आई बिकम द फर्स्ट कश्मीरी, तो ये न्यूज ब्रेक होगी, ये वायरल होगी, तो इसमें जो लोग है, एज यू आर अ जर्नलिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह आई नो यू बैड, बट आपको पता है हमारे कश्मीरी भाई बहन या बाकी जो घर में बैठे रहते हैं, इसमें वो कमेंट करेंगे अब तहसीलदार कौन है, अब वहां का पटवारी कौन है, अब ये कैसे है, वो कैसे है, मगर मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ, जब आपके ड्रीम्स अच्छे होते हैं, जब आपकी चाहत अच्छी होती है, कोई भी कर सकता है, एनीवन कैन अचीव दिस, एनीवन कैन अचीव ना हिज ड्रीम्स एंड ऑल दैट, तो ये सिंपल हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली ये सिंपल एक ऐसी चीज थी कि मैं पापा को ये गिफ्ट करना चाहता था एज अ टोकन ऑफ लव, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इसमें उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करने की, मैंने करोड़ों इसमें इन्वेस्ट किया, दैट आई एम अ बिग बिजनेसमैन, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम, बट इट्स नॉट कि मैंने इतना ये इन्वेस्ट किया कि मैं अब गरीबों का ख्याल मुझे रखना चाहता, ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने उन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा प्रोफाइल देख लेंगे, मैं हमेशा अपने गरीब भाइयों की हेल्प करता हूँ, मेरा हमेशा से कंट्रीब्यूशन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर people for the youth of Kashmir by one way or another way, तो ऐसा कभी नहीं है कि मुझे इस चीज का कोई भी जरा भर भी कोई घुमंड है कि that I am someone in the Kashmir, but मैं simply अपनी life हमेशा dedicate किया हुआ हूँ अपने कश्मीरी कौम को, आज भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, and in future भी मेरा वही रद्दअमल रहेगा कि अगर मेरा कोई भी चीज किसी के भी काम आए तो मुझे अपने आप में एक प्राउड फील होगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल इसके बाद इख्तिताम करेंगे, कितनी लैंड आपने वहां पे खरीदी और क्या कॉस्ट था इसका? हाँ, एब्सोल्युटली सर, इसका जो ये था, इट्स 1 एकर लैंड ऑलमोस्ट, मुझे लगता है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एकर ही है, तो कनाल में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो शायद
आठनाल के आसपास जो मार्किंग वार्किंग उसमें हुई है कम्प्लीटली, इसका लॉन्गिट्यूड इसका लैटिट्यूड क्या है, ट्रैक नंबर कौन है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो okay. तो ये पैसा वैसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है, एक आम शहरी भी कर सकता है, जिसको भी किसी को अगर कोई इससे पहले कोई गिफ्ट करता था, फॉर एग्जाम्पल सर अगर मैं कहूँ आपको कोई गिफ्ट करता था गाड़ी, कोई गिफ्ट करता था कोई और चीज, गोल्डन चेन एंड ऑल दैट, बट आप एज अ टोकन ऑफ लव, क्योंकि ये एक चाहत होती है कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई मेक इट, अल्लाह ने इसमें इज्जत रखी और मुझे दिया, तो आई फील रियली ऑनर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर कौसर बख्शी हमारे साथ, जो कश्मीर के पहले ऐसे शख्स बने जो पेशे से एक डॉक्टर है, जिन्होंने चांद पे ज़मीन ले ली, और इनका कहना ये था कि ये एक लव ऑफ टोकन है, अपने वालिद साहब के लिए मैंने ये सोचा कि मैं उनको एक गिफ्ट करूं, चांद पे ज़मीन कोई भी ले सकता है, ये दिखाने की। डॉक्टर साहब का ये कहना था कि हमें ये देखना था कि हमारी रीच, हमारी पहुंच जो है चांद पर भी है, हमारी नज़र जो है चांद पे है, और सोचा कि मैं अपने वालिद को एक छोटा सा गिफ्ट दे दूं। देखते रहे अली टाइम्स, दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।